हेलो दोस्तों, आप लोग का एसजीटेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं, अगर आप लोग क्लास टेंथ में गए हो तो ये वीडियो आप लोग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बस आप लोग को लास्ट तक वीडियो देखना, और 100% अगर आप लोग का एम है क्लास टेंथ में गए हो, नाइन्थ में आप लोग का अगर 45% है, बट अगर टेंथ में आप लोग 95 भी लाना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आप लोग को लास्ट तक वीडियो देखना और जितना हो सकता अपने दोस्तों में शेयर करना। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, सबसे पहले लास्ट तक वीडियो देखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आप लोग इन्फॉर्मेटिव होने वाला वीडियो। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर सपोज मान लो मैं आज कोई फील्ड में जा रहा हूँ, ध्यान से सुना, क्योंकि क्लास नाइन्थ में आप लोग थे तो वहां तक आप लोग का लिमिट था कि आप लोग कैसा भी पास हो जा रहे, नकल मार के सब कुछ पास, बट यहाँ पे टेंथ की है, टेंथ की बात हो रही है, और टेंथ में आप लोग को अच्छे से क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। अब किस तरीके से करना पड़ेगा वो चीज मैं बताता हूँ, और स्कूल का क्या नियम हो वो भी चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब इसमें आप लोग को सबसे ज्यादा यहाँ पे देखो, मई जून दो महीना अच्छे से आप लोग का छुट्टी रहता है, वेकेशन रहता है। जून में आप लोग का 10-12 जून तक आप लोग का स्कूल खुल जाता है। इस तरीके से खुलने के बाद आप लोग के स्कूल में फर्स्ट एग्जाम होने लगता है, 15 अगस्त के पहले एक बार एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर ले लेते हैं। बट आप लोग को क्या करना, ध्यान से सुना, अब इसमें आप लोग क्लासेस जाते रहोगे, कहीं भी जाओ, बट अपना रूल बनाओ, अपना नियम एक बनाओ, कितना कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ध्यान से सुना। क्योंकि अगर आप लोग पहले से अगर करके रखोगे तो 100% आप लोग का सब कुछ क्लियर होगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अपने चैनल पे मैं जब यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2023 का जब 10 दिन बाकी था, एक महीना बाकी था, तब मैं उसे स्ट्रेटर्जी बताता था किस तरीके से पढ़ाई करना, और उसमें बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट करते, सर एक दिन के अंदर ऐसा बताओ, एक दिन के अंदर हम लोग कैसे पास कर दे, एक दिन के अंदर कैसे टॉप करें, ये सब यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिलेगा। बट मैं आप लोग को नियम कानून जो बताऊं, आप लोग को सबसे पहले क्या करना रहता है, आप लोग को आज से अभी से वीडियो देख रहे हो तो आप लोग अगर क्लास टेंथ में हो, अगर बुक नहीं खरीदो, जाके परचेस करो, और उसको ला के अच्छे तरीके से, कहीं क्लास जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ध्यान से सुना, आप लोग वहां जाओ, अपना रूल नियम अच्छे तरीके से बनाओ, और एक पेज पे अभी से लिखो, अभी से मैं क्या बोल रहा हूं, अभी से लिखो क्या आपको करना है, कौन सा सब्जेक्ट कौन से दिन पढ़ना है, और सबसे पहले अपने दोस्ती यारी सब कुछ छोड़ देना, ध्यान से सुना। सबसे बेकार क्या होता है, दोस्ती यारी, अगर दोस्ती यारी प्लस एक मोबाइल हो गया है, मोबाइल आप लोग साइड करो और दोस्ती यारी साइड करो, देखो आप लोग का नंबर जो है ना ऐसा ग्रो करने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा। किस तरीके से, आप लोग को सबसे ज्यादा टेंशन होता है जब आप लोग पढ़ने बैठते हो ना, तो वहां पे मोबाइल देखने का मन करता है, मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, उसको रिप्लाई करने का जरूरत हो, बट मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ वो मोबाइल को साइड रखो, बट आप लोग को क्या करना है, जितना हो सकता है स्टडी फोकस करना, बस आप लोग को क्या करना है, स्टडी फोकस करना, और देखो अच्छे खासा आप लोग स्टडी पे ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे, आप लोग का लाइन जो है ना इम्प्रूव होना, स्टडी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। बस आप लोग को क्या करना है, जितना हो सकता है बस आप लोग टाइम टेबल बनाओ, और टाइम टेबल के थ्रू क्या करो, साइंस एक दिन पढ़े, फिर उसके बाद मराठी का पढ़ो, मराठी बहुत सारे बच्चों को कठिन लगता है, मैं बोलता हूँ मराठी का क्या करो, उसे कॉपी राइटिंग बार बार लिखो, पेजेस लिखो, भरोगे जितना पेज लिखोगे, इंग्लिश हिंदी, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो भी क्या करे, कॉपी राइटिंग लिखे, तो उससे क्या बोलो, कॉपी राइटिंग 10वीं पहुंच गए, हाँ अगर कॉपी राइटिंग लिखोगे तो उससे क्या होगा, आप अच्छे से क्या कर सकते हो, बार बार अगर लिखते लिखते उसमें से आप लोग का जो वर्ड रहता है जो रॉन्ग हो जाता है वहां पे बोर्ड एग्जाम में और पेपर में, वो चीज आप लोग का इंप्रूवमेंट होगा, और 100% आप लोग का नंबर कट नहीं होगा। तो आप लोग क्या करना है, सिर्फ रेगुलेशन से अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ क्या करना है, एक नियम कानून बनाना है, स्कूल का नहीं देखना क्या कर रहे हैं, स्कूल में आप लोग का हो सकता है पोर्शन भी बहुत सारे स्कूल में नहीं कंप्लीट हो पाता, तो मैं आप लोग को बताता हूं कि आप लोग अपने से करना स्टार्ट करो, आप लोग क्लास जहां जा रहे उनका पूरा काम समय पे दो, अच्छे तरीके से, अच्छे से जो पढ़ा है उसको तुरंत का तुरंत। एक बच्चे में बहुत बेकार डाउट होता है कि वो बच्चे घर स्कूल में या यहाँ पे क्लासेस कहीं भी रहते वो पूछते ही नहीं, सोचते ना बाजू वाला नहीं पूछा तो मैं क्यों पूछूं, सबसे बड़ा ये उसकी गलती होता है। और इसमें क्या करना चाहिए, सिंपल सा, अगर उसको सर पढ़ा रहे वो सर पढ़ा रहे तुरंत अंदर से खड़े हो जाओ, कितने भी लोग बैठे हो, अगर ये चीज अपने अंदर ला दिए ना, जिस दिन की अगर मुझे गलती मेरे को नहीं आ रहा मैं सर से पूछूंगा, आन द स्पॉट आप लोग का डाउट उसी जगह पे क्लियर हो जाएगा। अगर वो चीज नहीं पूछोगे तो एक डाउट हुआ, फिर जाओगे घर पे करोगे वो भी नहीं आएगा, उसके बाद सर नया कल पढ़ाएंगे टॉपिक, तो आप लोग को पिछला तो भूल गया,
तो इसमें आप लोग की गलती है, आप लोग को सुधरना है। आप लोग को सबसे पहले आप अपने आप को एक टाइम टेबल के थ्रू क्या करो, स्टडी करो और जितना हो सकता है उतना स्टडी फोकस करो। खेलना कूदना बंद, जितना दिन खेलना था वो हो चुका। अब क्या करना, आप लोग को स्टडी करना, क्योंकि आप लोग अपने से लिख के कहीं टांग लो, लिख के कहीं ऐसे सामने रख लो कि भैया मुझे ये करना है, 95 प्लस लाना है। बट किस तरीके से, उसके लिए हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क में गधा मजदूरी नहीं करने के लिए बोल रहा हूं, कहीं कंपनी में नहीं खट रही, बस क्या करो, पढ़ाई करो, सिर्फ जितना हो सकता है स्टडी करो। 100% बोलता हूं आप लोग का 95 प्लस आ जाएगा। बस आप लोग को क्या करना, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उनको कोई चीज बताता नहीं कैसे पढ़ना है। मैं आप लोग को बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, बस आप लोग को जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो 100% चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि टेक चैनल है वो आप लोग का चैनल है और इसपे आप लोग के लिए ही जो आप लोग के रिलेटेड है वही चीज डालता हूँ। इसके लिए जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ।